वेलकम टू माई चैनल वंस अगेन। आज मैं एक मुस्लिम कैप बना रही हूँ और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कॉटन थ्रेड, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बहुत बारीक है, जैसे कि हमारे ये होता है एंकर के धागे होते हैं और कॉटन बॉल्स मिलती हैं बारीक, वो वाली बॉल है। और इसके साथ मैं यूज़ कर रही हूँ बहुत ही बारीक अपना, ये है 0.85 मिलीमीटर होगा, आई होप आपको ये नज़र आ रहा हो, ये 6 नहीं है, ये 0.85 है। मोस्टली मैं 0.9 यूज़ करती हूँ, लेकिन इसके लिए मैं 0.85 मिलीमीटर हुक यूज़ कर रही हूँ। इसको हम स्टार्ट करते हैं। हम मोस्टली मैजिक नॉट बना लेते हैं, मैजिक सर्कल बना लेते हैं, लेकिन हम इस पर स्लिप नॉट करेंगे और चेन बनाएंगे। स्लिप नॉट उसी तरह हमने बनाया काम स्टार्ट करने के लिए। अब हम लोगों ने चेन बनानी है, 6 चेन्स बनाएंगे। टू थ्री फोर फाइव और ये 6। जितना बड़ा आपको सर्कल चाहिए उतनी आपने चेन्स बनानी है। मैं मोस्टली 4 से 5 बनाती हूँ, लेकिन इसके लिए मैं 6 लूँगी, क्योंकि मैंने ज़्यादा इसमें स्टिचेस डाली हैं। ये मैं पहली चेन के अंदर डाल के स्लिप नॉट कर दूँगी। स्लिप नॉट के लिए उसी तरह ये उठाएंगे, स्लिप स्टिच थोड़ी कर दूँगी। ये मैं पहली चेन से निकाल के जो मेरी एग्जिस्टिंग चेन है उसमें से निकाल दूँगी। इस तरह से ये सर्कल सा बन गया छोटा सा, जो कि अभी आपको फील नहीं होगा। ये देखें, ये छोटा सा सर्कल है। अब इस सर्कल के अंदर हमने सारा काम करना है। चेन 1, ये कुछ भी काउंट नहीं करता, यार्न ओवर करें। और ये जो सर्कल था मैंने आपको दिखाया, ये देखें, इस होल के अंदर आपने डबल क्रोशे बनाने, 16 डबल क्रोशे बनाने हैं। इस तरह से निकाला, यार्न ओवर किया हुआ था, ये देखें 3 लूप हैं, यार्न ओवर के 2 में से निकाला, 2 रह गए, फिर यार्न ओवर किया, 2 में से निकाला, यार्न ओवर, फिर से हमने उसी सर्कल में डालना है, इंसर्ट किया अपना, ये देखें उसी सर्कल के अंदर, और बाहर निकाला, यार्न ओवर, 2 में से निकाला, फिर यार्न ओवर, 2 में से निकाला, 2 बन गए। इसी तरह अब हमने बनाते जाने हैं 14 और इसी सर्कल के अंदर। मैं लास्ट बनाने लगी हूँ 16। ये देखिए, मैंने पहली जब चेन बनाई थी ये वाली, इसमें मैंने स्लिप नॉट कर देना है, स्लिप स्टिच कर देना है, क्योंकि ये हमने कुछ भी काउंट नहीं किया था। इसमें मैंने स्लिप स्टिच हो गया ये मेरा, ये देखिए मेरी 16 डबल क्रोशे की स्टिचेस बन गई हैं। राउंड 2, चेन 1, कुछ भी काउंट नहीं करता, उसी तरह से फिर से यार्न ओवर किया, ये मेरी पहली स्टिच है जिसमें मैंने स्लिप स्टिच किया था, इसी स्टिच में मैं इंसर्ट करके बाहर निकालूंगी, डबल क्रोशे बनाया, फिर हमने चेन 1 बनाया, यार्न ओवर, नेक्स्ट स्टिच पर डबल क्रोशे, फिर चेन 1, इसकी नेक्स्ट स्टिच, ये देखिए डबल क्रोशे, यानी कि हमने हर स्टिच पे चेन 1 और डबल क्रोशे बनाना है।
लास्ट पे हूँ, मैंने चेन वन बना लिया और उसके बाद मैं स्लिप स्टिच कर दूँगी ये जो मैंने चेन बनाती हूँ उसके अंदर, और ये मेरा बंद हो गया राउंड। राउंड नंबर टू कंप्लीट हो गया। राउंड थ्री में चेन वन, ये कुछ भी काउंट नहीं करता, सेम स्टिच पे एक डबल क्रोशिया, ये सिर्फ हमारी स्टैंडिंग स्टिच के तौर पे काम करता है चेन वन जो है। यार्न ओवर, अंदर दो डबल क्रोशिया बनाऊंगी, वन और ये टू। फिर मेरी नेक्स्ट डबल क्रोशे की स्टिच है, डबल क्रोशे की स्टिच है, मैं एक डबल क्रोशे बनाऊंगी। फिर से टू के अंदर दो डबल क्रोशे, वन और डबल क्रोशे की स्टिच पे एक डबल क्रोशे। ये देखें मैं लास्ट स्पेस पे आ गई हूँ अपनी। अब ये मेरी लास्ट जो स्पेस है इसके अंदर मैं दो डबल क्रोशे बनाऊंगी, वही उसी करना, वन और स्लिप स्टिच कर दूंगी अपनी। ये देखिए मेरी पहली स्टिच थी, इसकी बिल्कुल टॉप पे स्लिप स्टिच करूंगी और ये मेरा क्लोज हो गया राउंड। इस तरह से देखें ये सर्कल बड़ा होता जाएगा। राउंड नंबर फोर, वही चेन वन, ये कुछ भी काउंटिंग करता, यार्न ओवर करेंगे और इसी पहली स्टिच पे, ये देखें ये पहली ही स्टिच जो हमारी चलती आ रही है डबल क्रोशे की, उसी में मैं डबल क्रोशे बनाऊंगी, वंस अगेन टू चेन, यार्न ओवर किया। अब एक स्किप करेंगे हम, ये देखें ये मेरी स्टिच है, ये मैंने स्किप किया और इसकी नेक्स्ट स्टिच पे, ये मेरी नेक्स्ट स्टिच है, इस पर मैं ये वाली स्टिच पे डबल क्रोशे बनाऊंगी। चेन टू, एक स्किप की, नेक्स्ट स्टिच पे डबल क्रोशे, फिर चेन टू, एक स्किप की, नेक्स्ट स्टिच पे डबल क्रोशे। इसी तरह हम इसी चीज़ को रिपीट करेंगे, चेन टू, एक स्किप करेंगे हम स्टिच, ये देखें एक स्टिच स्किप की, उसकी नेक्स्ट स्टिच पे डबल क्रोशे। इसी पर राउंड कंप्लीट करें। देखें एंड पर आ गई हूँ, चेन टू, ये मेरी लास्ट स्टिच है, इसको मैंने स्किप किया और मैं स्लिप स्टिच कर दूंगी अपने पहली स्टिच पे, और इस तरह से मेरा ये राउंड एंड हो जाएगा। इस तरह से ये देखें सर्कल बन गया मेरा, ये बेसिकली फोर्थ राउंड था। राउंड फाइव के लिए चेन वन, कुछ भी काउंट नहीं करता, सेम जगह पे मैं वंस अगेन एक डबल क्रोशे बनाऊंगी, और ये जो मेरी टू चेन स्पेस है इसके अंदर मैं तीन डबल क्रोशे बनाऊंगी। वन टू और फिर ये थ्री।
और डबल क्रोशे की स्टिच पे एक डबल क्रोशे। फिर से 2 चेन स्पेस के अंदर 3 डबल क्रोशे, 1, 2, 3 और अब डबल क्रोशे की स्टिच पे एक डबल क्रोशे। बेसिकली मैंने जो 2 चेन स्पेस है उसके अंदर अब 3 डबल क्रोशे बना रही हूँ और डबल क्रोशे की स्टिच पे एक डबल क्रोशे। इसी को रिपीट करते जाएंगे हम। मेरा राउंड कंप्लीट हो गया। वही चेन वन सेम स्पेस पे हम फिर से डबल क्रोशे बनाएंगे, चेन वन एक स्किप करके नेक्स्ट स्टिच पर डबल क्रोशे, उसी तरह एक स्किप करके चेन वन एक स्किप करके नेक्स्ट स्टिच पर डबल क्रोशे, चेन एक स्किप किया नेक्स्ट स्टिच पर डबल क्रोशे। अब हमारे इस राउंड में स्पेसेस इंक्रीज हो जाएंगी। एक स्किप करके नेक्स्ट स्टिच पे डबल क्रोशे, ये इसी तरह बनाते जाएं पूरे राउंड के एंड में। नेक्स्ट राउंड में 2 चेन सेम स्पेस के अंदर डबल क्रोशे। अब हम लोग राउंड नंबर 3 रिपीट करेंगे, यानी हर चेन स्पेस के अंदर 2 डबल क्रोशे और डबल क्रोशे की स्टिच पे एक डबल क्रोशे। फिर से स्पेस के अंदर 2 डबल क्रोशे और डबल क्रोशे की स्टिच पे एक डबल क्रोशे। इसी को रिपीट करते जाएंगे हम पूरे राउंड के एंड तक। मैं नेक्स्ट राउंड पे आ गई हूँ। चेन 2 सेम स्पेस के अंदर डबल क्रोशे, फिर वही रिपीट करेंगे। चेन 2 2 स्टिचेस स्किप करके थर्ड स्टिच पे डबल क्रोशे। फिर 2 स्टिचेस स्किप की थर्ड पे डबल क्रोशे। इसी को रिपीट करते जाएंगे हम। राउंड एंड कर दीजिए। फिर से नेक्स्ट राउंड चेन 2 बनाया और सेम स्पेस में डबल क्रोशे। वही तीन डबल क्रोशे, फिर डबल क्रोशे की स्टिच पे एक डबल क्रोशे। हमने अब इंक्रीज कर दिया। फिर से तीन डबल क्रोशे हम बनाएंगे अब स्पेस के अंदर। हमारा सर्कल है वो इन्हीं की वजह से पड़ेगा और डबल क्रोशे की स्टिच पे एक डबल क्रोशे। इसी को रिपीट करेंगे। अब हमने राउंड नंबर 6, 7, 8, 9 ये 4 राउंड रिपीट करते जाना है। 6, 7, 8 और 9 ये हम रिपीट करेंगे जब तक कि हमारा कैप का जो लेंथ है यानी कि जो चौड़ाई है ये 6 इंच ऑलमोस्ट 6 इंच नहीं हो जाती।
तब हम यही करते जाएंगे और फिर आपको मैं बाद में मिलूँगी। मेरा 6 इंच हो गया पूरा इस वक्त, मैंने अपना लास्ट राउंड बनाया है। चेन 2 उसी तरह सेम स्टिच पे डबल क्रोशिया। फिर स्पेस थी उसके अंदर 2 डबल क्रोशिया, 1 2 डबल क्रोशिया की स्टिच पे 1 डबल क्रोशिया। इस तरह मेरे 3 बन गए, 1 2 3। अब इसके बाद द नेक्स्ट स्पेस है उसके अंदर हम 5 डबल क्रोशिया पॉपकॉर्न बनाएंगे। 5 डबल क्रोशिया पॉपकॉर्न बनाने के लिए हम पहले इस तरह से 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। अब हम ये अपना लास्ट बनाने के बाद हुक लूप में से निकाल लेंगे और पहली जो हमारी स्टिच थी, ये देखें हमारी जो पहली स्टिच इसकी थी, इस में जो हमने बनाई, उसमें हम इंसर्ट करेंगे अपना हुक, अपना लूप पिक करेंगे और यहाँ से हम बाहर निकालेंगे, पीछे से इसको खींच लें और चेन 1 यार्न ओवर किया। अब डबल जो डबल क्रोशे की स्टिच है उसके ऊपर 1 डबल क्रोशे बना लिया इस तरह से। फिर स्पेस के अंदर 2 डबल क्रोशे, 1 2 और डबल क्रोशे की स्टिच पे 1 डबल क्रोशे। फिर से नेक्स्ट स्पेस के अंदर 5 डबल क्रोशे पॉपकॉर्न, पहले 5 डबल क्रोशे बना लें, 1 2 3 4 और ये 5। लूप बाहर निकाल लिया और पहले हमारा जो स्टिच है ये रहा, उसमें इंसर्ट किया, ये देखें, और मैंने इसमें से लूप पकड़ा और बाहर निकाल लिया और चेन 1 यार्न ओवर किया और डबल क्रोशे की स्टिच पे डबल क्रोशे बना के इसको इस तरह से फोल्ड कर दिया। तो ये ऐसे बनता जाता है ये पॉपकॉर्न की शक्ल में, देखिए उभरे उभरे बनना शुरू हो जाते हैं। अब आपने इसी तरह बनाते जाना है ऑल्टरनेटिव, पहले एक चेन स्पेस में, पहली वाली चेन स्पेस के अंदर आपने 2 डबल क्रोशे दो डबल क्रोशे बनाना है और डबल क्रोशे की स्टिच पे 1 डबल क्रोशे, और नेक्स्ट चेन स्पेस के अंदर 5 डबल क्रोशे पॉपकॉर्न। अगर आपकी हुक बड़ा है और स्पेस कम है तो आप ज़रूरी नहीं कि 5 बनाएं, आप 4 भी बना सकते हैं और 3 भी बना सकते हैं अगर ये आपको ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो। अब इसी तरह हम बनाते जाएंगे, मैं राउंड के एंड पे मिलता हूँ। राउंड कंप्लीट हो गया, ये देखिए। अब नेक्स्ट राउंड पे फिर से वही चेन 2 सेम स्टिच पे डबल क्रोशे। हम यहाँ पर जो है, अब जो पहला हमारा बेसिकली ये 2 चेन 2 स्टिचेस हैं, इसमें से पहली स्टिच पे हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। हम बनाने लगे हैं पॉपकॉर्न, तो 2 डबल क्रोशे मैं यहाँ बनाऊंगी, आप चाहे तो एक पे भी बना सकती, मैं इस तरह से 2 पे बना रही हूँ और फिर दूसरे पे 2 डबल क्रोशे, 1 और ये 2 स्टिच बाहर निकाल ली। अब मैं पहला जो मेरा बेसिकली लूप है, देखें पीछे से काउंट कर लें, ये मेरा पहला लूप है 4th, इसमें से निकाला और ये लेकर मैंने इसको खींच लिया तो ये मेरा पॉपकॉर्न बन गया। चेन 1 करके लॉक किया, यार्न ओवर किया और जो मेरी डबल क्रोशे की स्टिच है उस पर डबल क्रोशे बना लिया। चेन 2,
अभी हम पॉपकॉर्न स्किप करेंगे और नेक्स्ट स्टिच पे जो हमारी डबल क्रोशे की स्टिच होती है उसके साथ उस पर हम डबल क्रोशे बना लेंगे। अब हमने यही रिपीट करना है, एक पॉपकॉर्न और जो पॉपकॉर्न की स्टिच है उसके ऊपर टू चेन स्पेस। ये मैं नेक्स्ट स्टिच पे दो बनाऊंगी डबल क्रोशे, और फिर उसकी नेक्स्ट स्टिच पे दो बनाऊंगी डबल क्रोशे। बाहर निकाल लिया, यहाँ से काउंट कर लें, फोर्थ मेरी स्टिच ये रही बेसिकली पहली स्टिच, उसमें से निकाल के लूप पिक किया और मैंने ये पीछे से बाहर निकाला आगे की तरफ, चेन वन करके लॉक किया और डबल क्रोशे की स्टिच नेक्स्ट स्टिच पे बना ली। फिर चेन टू, पॉपकॉर्न स्किप किया, जो डबल क्रोशे की स्टिच थी उस पर डबल क्रोशे बना लिया। अब हमने जो प्रीवियस रो में पॉपकॉर्न बनाया था उस पर हमने टू चेन स्पेस देनी है, और जो प्रीवियस रो पे हमने दो डबल क्रोशे बनाए थे उसके ऊपर हमने इस तरह से पॉपकॉर्न बनाना जो मैंने आपको तरीका बताया है। अब इसका पूरा राउंड हम इसी तरह कंप्लीट करेंगे। मैं राउंड कैंट करती हूँ, मेरा राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट रो में उसी तरह चेन टू से स्टार्ट करेंगे, चेन टू सेम स्टिच पे डबल क्रोशे, चेन टू, हम ये पॉपकॉर्न स्किप करेंगे नेक्स्ट स्टिच पे, यानी कि जो डबल क्रोशे की स्टिच है उस पर हमने डबल क्रोशे बनाना है। फिर चेन टू, ये चेन स्पेस स्किप करके जो डबल क्रोशे की स्टिच है उस पर हमने डबल क्रोशे बनाना है। फिर चेन टू, पॉपकॉर्न की स्टिच स्किप करके डबल क्रोशे की स्टिच पे डबल क्रोशे बनाना है। ये तीन हमारी स्पेसेस हो गई। उसके बाद ये हमारी टू चेन स्पेस है, उसके अंदर हमने दो डबल क्रोशे बनाने हैं, और डबल क्रोशे की स्टिच पे एक डबल क्रोशे जो हमारी पॉपकॉर्न का पहले स्टैंडिंग स्टिच होती है उसके ऊपर। फिर चेन टू, पॉपकॉर्न स्किप किया, जो डबल क्रोशे की स्टिच है उसके ऊपर एक डबल क्रोशे। अब ये जो टू चेन स्पेस है इसके अंदर फिर से वंस अगेन दो डबल क्रोशे और डबल क्रोशे की स्टिच पे एक डबल क्रोशे। फिर टू चेन, पॉपकॉर्न स्किप किया, डबल क्रोशे की स्टिच पे एक डबल क्रोशे। फिर टू चेन, टू चेन स्पेस स्किप की, डबल क्रोशे की स्टिच पे एक डबल क्रोशे। वंस अगेन टू चेन, पॉपकॉर्न स्किप किया, डबल क्रोशे की स्टिच पे डबल क्रोशे। अब ये टू चेन स्पेस के अंदर दो डबल क्रोशे बनाएंगे हम, वन टू, डबल क्रोशे की स्टिच पे एक डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर ये पॉपकॉर्न की जो एक टॉप की स्टिच होती है, ये देखिए आपको नज़र आ रही होंगी, एक ये स्टिच है जो कि स्टार्टिंग स्टिच है, उस पर मैंने एक डबल क्रोशे बनाया। जो पॉपकॉर्न के ऊपर एक स्टिच आ रही है ये वाली, ये देखिए आपको नज़र आ रही है ये वाली, इसके ऊपर मैं इंसर्ट करके हुक डबल क्रोशे बनाऊंगी, और जो डबल क्रोशे की स्टिच है फिर नेक्स्ट उस पर मैं एक डबल क्रोशे बनाऊंगी। फिर अगेन नेक्स्ट डबल क्रोशे की जो टू चेन स्पेस है उसके अंदर दो डबल क्रोशे, वन टू, और डबल क्रोशे की स्टिच पे एक डबल क्रोशे। इस तरह से हमारे जो टोटल ये डबल क्रोशे बने हैं ये 10 हैं, आप काउंट कर लें भले, 2, 4, 6, 8 और ये 10। अब हमने यही चीज़ रिपीट करनी है, टू चेन, पॉपकॉर्न स्किप किया, डबल क्रोशे की स्टिच पे डबल क्रोशे। फिर टू चेन,
स्पेस स्किप किया, डबल क्रोशे की स्टिच पे एक डबल क्रोशे, फिर टू चेन, पॉपकॉर्न स्किप किया, डबल क्रोशे की स्टिच पे एक डबल क्रोशे, राउंड कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट राउंड पे फिर से वही टू चेन, सेम स्टिच पे डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट टू चेन स्पेस के अंदर दो डबल क्रोशे, वन टू, डबल क्रोशे की स्टिच पे एक डबल क्रोशे। फिर टू चेन स्किप किया, नेक्स्ट डबल क्रोशे की स्टिच पे एक डबल क्रोशे, फिर टू चेन स्पेस स्किप किया, डबल क्रोशे की स्टिच पे एक डबल क्रोशे, फिर टू चेन दोनों स्टिच स्किप की, थर्ड स्टिच पे एक डबल क्रोशे, फिर टू चेन स्पेस के अंदर दो डबल क्रोशे, डबल क्रोशे की स्टिच पे एक डबल क्रोशे, फिर टू चेन टू स्टिच स्किप की, थर्ड स्टिच पे एक डबल क्रोशे, फिर टू चेन टू स्टिच, ये चेन स्पेस स्किप की, एक डबल क्रोशे की स्टिच पे एक डबल क्रोशे, फिर टू चेन टू चेन स्किप की, डबल क्रोशे की स्टिच पे एक डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट टू चेन स्पेस के अंदर दो डबल क्रोशे, और डबल क्रोशे की स्टिच पे एक डबल क्रोशे। अब नेक्स्ट तीन डबल क्रोशे पे एक एक डबल क्रोशे, वन टू, ये थर्ड। अब ये सारी जितनी स्टिचेस हैं उस पे एक एक डबल क्रोशे। अब जो टू चेन स्पेस है उसमें दो डबल क्रोशे, डबल क्रोशे की स्टिच पे एक डबल क्रोशे, टू चेन स्किप किया स्पेस और टू डबल क्रोशे की स्टिच पे एक डबल क्रोशे, फिर टू चेन स्पेस स्किप की, डबल क्रोशे की स्टिच पे एक डबल क्रोशे। और ये फिर हम देखें वहीं पर आ गए हैं, ये मैंने बनाया दूसरा, अब तीसरा मैंने स्पेस बनाना है, फिर ये फोर डबल क्रोशे, फिर तीन स्पेस, और फिर इस तरह से यही कंप्लीट करना पूरे सर्कल में। मैं सर्कल के एंड पे मिलती हूँ। मैंने राउंड एंड कर दिया। नेक्स्ट राउंड पे फिर से वही टू चेन सेम स्पेस पे डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट थ्री स्टिचेस पे एक एक डबल क्रोशे, वन टू थ्री, अब उसके बाद टू चेन स्पेस के अंदर दो डबल क्रोशे, डबल क्रोशे की स्टिच पे एक डबल क्रोशे, टू चेन स्पेस लीफ की, नेक्स्ट स्टिच पे एक डबल क्रोशे, टू चेन स्पेस लीफ की, डबल क्रोशे की स्टिच पे एक डबल क्रोशे, टू चेन टू स्टिचेस स्लीव की, थर्ड स्टिच पे एक डबल क्रोशे, फिर टू चेन नेक्स्ट चेन स्पेस स्लीव की, डबल क्रोशे की स्टिच पे एक डबल क्रोशे, टू चेन स्पेस स्लीव की, डबल क्रोशे की स्टिच पे एक डबल क्रोशे।
नेक्स्ट चेन स्पेस के अंदर दो डबल क्रोशे, डबल क्रोशे की स्टिच पे एक डबल क्रोशे, नेक्स्ट थ्री डबल क्रोशे पे एक एक डबल क्रोशे, वन टू थ्री, टू चेन, टू स्टिचेस स्लीव की, थर्ड स्टिच पे एक डबल क्रोशे, फिर टू चेन, टू स्टिचेस स्लीव की, थर्ड स्टिच एक डबल क्रोशे, फिर टू चेन, टू स्टिचेस स्लीव की, थर्ड स्टिच पे एक डबल क्रोशे, नेक्स्ट थ्री स्टिचेस पे एक एक डबल क्रोशे, टू चेन स्पेस के अंदर दो डबल क्रोशे, डबल क्रोशे की स्टिच पे एक डबल क्रोशे, टू चेन, टू चेन स्किप की, नेक्स्ट स्टिच पे एक डबल क्रोशे, फिर टू चेन स्पेस स्किप की, नेक्स्ट स्टिच पे एक डबल क्रोशे। अब हम फिर से वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं जो हमने स्टार्ट किया था। ये देखें, यहाँ से स्टार्ट किया था, ये मेरे पांच स्पेसेस आए थे, मैंने दो बना लिए हैं, मज़ीद तीन बनाऊंगी और उसके बाद फिर वही रिपीट होता जाएगा पूरा सर्कल। तो मैं आपके राउंड के एंड पर मिलती हूँ।